सो so, आपको आप अभी आपको स्क्रीन के ऊपर आपको प्रैक्टिस वर्कशीट प्रैक्टिस बुक आपकी दिख रही है ना राइट right? तो जल्दी आपको सिलेबस में मिल जाएगा कि आपको एक्टिविटी में क्या करना है राइट इन द सिलेबस फॉर्म एक्टिविटी मेंशन ही होगी कि आपको एक्टिविटी में एक्चुअली राइट right? सो so, एक्टिविटी में मैंने आपको आपको जो ही प्रैक्टिस बुक में से करना है तो उसको प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर मैंने आपको सिलेबस में जो आपको मिलेगा सिलेबस के फॉर्म में राइट बट मैं आपको अभी लाइव दिखा रही हूँ कि आपको एक्टिविटी में क्या करना है और कैसे करना है ठीक है स्टूडेंट्स सो लेट्स सी आई एम शोइंग यू व्हाट यू हैव टू डू इन योर एक्टिविटी सो लेट्स सी स्टूडेंट्स सो नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू टेक आउट योर मैथ्स प्रैक्टिस बुक आपको पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर में दिख रहा है ना आपके पास है ना मैथ्स की प्रैक्टिस बुक तो वो आपको सबसे पहले निकालनी है ठीक है so सो उसमें से आपको प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर निकालना है कौन सा पेज नंबर सो so प्रैक्टिस बुक का आपको पेज नंबर पेज नंबर 13 ओपन करना है कौन से स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर थर्टीन निकालना है राइट सो वंस अगेन टेक आउट योर मैथ्स प्रैक्टिस बुक एंड ओपन पेज नंबर थर्टीन इन योर प्रैक्टिस बुक राइट सो देन स्टूडेंट्स वेन यू ओपन योर पेज नंबर यू विल सी इन द पिक्चर थ्री एक्सरसाइज कैन यू सी वन टू एंड थ्री राइट सो सबसे पहले आपको ये तीनों एक्सरसाइज देखनी है देन दैट एक्सरसाइज में कौन से कौन से एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन दैट जम्प फॉरवर्ड बाई टूज एंड कंप्लीट द सिक्वेंस ये एक्सरसाइज है यानी टू आपको पता है ना मैंने टू टू स्टेप फॉरवर्ड स्टेप दिखाए थे वो एक्सरसाइज है एंड देन स्टेंस सेकेंड एक्सरसाइज आपको मैंशन है दैट सेकेंड एक्सरसाइज इज दैट काउंट फॉर्वर्ड बाई स्कीपिंग फाइव एंड कंप्लीट द सिक्वेंस यानी यहाँ पर आपको फाइव फाइव स्टेप्स का स्कीप काउंटिंग करके नेक्स्ट नंबर मैंशन करना है राइट एंड देन स्टूडेंट्स योर लास्ट थर्ड एक्सरसाइज इज राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स यानी आपको पैटर्न कंप्लीट करना है इसमें आपको देखना है कि टू नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट पैटर्न थ्री लिखनी है ओके okay, स्टूडेंट्स राइट right? सो so, अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि ये थ्री एक्सरसाइज है ना अब ये थ्री एक्सरसाइज आपको इसमें ही लिखनी है या कहीं और पे तो स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस बुक पे नहीं लिखनी है। बल्कि आपको अलग से एक पेज में ये एक्सरसाइज करनी है राइट समझ में आया आपको प्रैक्टिस बुक में नहीं अलग पेज में तो अगर आपके पास आपके मैथ्स सी डब्ल्यू की ये पेज है बॉक्स वाली तो आप आपके मैथ्स की सी डब्ल्यू में से आप ऐसी ब्लैंक टू पेजेस क्लिप वाले निकालना है अलग से ठीक है पेज क्लिप वाला होता है ना उसमें से टू पेज आपको निकालना है अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो या फिर आपके पास अगर आपको याद है ना बड़ा सा रजिस्टर है लाइक दिस तो आपको अगर ऐसा बड़ा वाला रजिस्टर है उसमें भी आपको क्लिप वाले दो पेज निकालने हैं और उसके अंदर आपकी चॉइस है आप सी डब्ल्यू में या फिर रजिस्टर में लिखना चाहते हो तो इस दोनों में से कोई भी एक में लिख सकते हो ठीक है सो इट्स योर चॉइस इफ़ यू वॉन्ट टू राइट इन योर मैथ्स सी डब्लू बुक आपके बुक में भी बात स्टूडेंट्स पेज निकालने हैं या फिर रजिस्टर वाला तो वो भी आपको पेज निकालना है तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स में आपकी मैथ्स की सी डब्ल्यू बॉक्स वाले पेज में कैसे करना है तो उसमें स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले उसका फ्रंट पेज निकालना है फ्रंट पेज राइट क्लिप वाला निकालिए उसमें सबसे पहले आपको आपका पूरा नेम आपका नेम सर नेम और आपके फादर का नेम पूरा लिखना है सबसे पहले फ्रंट पेज आपने क्लिप वाला निकाला उसमें देन यू हैव टू मैंशन योर क्लास एंड सेक्शन तो आप सभी थर्ड स्टैंडर्ड में हो राइट right? तो थर्ड एंड आप थर्ड के बाद आप ब्लैंक देख रहे हो ना वहाँ पे आपको आपका सेक्शन आप कौन से सेक्शन में हो वो मेंशन करना है ठीक है एंड क्लास सेक्शन के बाद आपको स्टूडेंट्स क्या मेंशन करना है सब्जेक्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स तो आपको मैथमेटिक्स लिखना है सब्जेक्ट एंड देन व्हाट इज दिस दिस इज अबाउट योर टॉपिक आपको टॉपिक मेंशन करना है टॉपिक क्या है आपका पीटी वन एक्टिविटी तो आपको पीटी वन एक्टिविटी लिखना है ठीक है सो स्टूडेंट्स अभी आपको जो डिटेल्स दिख रही है वो सारी डिटेल्स आपको आपको सारी डिटेल्स आपको जो दिख रही है वही फिलअप करनी है आपका फ्रंट पेज पे नेम क्लास सेक्शन सब्जेक्ट और टॉपिक पीटी वन एक्सेस एक्टिविटी राइट तो अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग से आपको आपने जो टे पेज लिया है उसके फ्रंट पेज पे ये आपकी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है ठीक है स्टूडेंट्स और फिर आप आपके यही पेज के बैक साइड पे जाओगे तो बैक साइड पे फिर आपको आपकी एक्टिविटी करनी है राइट तो आप जैसे ही बैक पेज निकालोगे इट विल बी लाइक दिस राइट उसमें स्टूडेंट्स आपको क्या करना है फिर तो जैसे मैंने आपको मैथ्स की प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर दिखाया कौन सा पेज नंबर थर्टीन अगेन आई एम शोइंग यू लेट्स सी दैट पेज नंबर थर्टीन राइट सो लेट्स पेज नंबर थर्टीन कैन यू सी उसमें स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर थर्टीन निकाला उसमें आपको अब ये तीनों एक्सरसाइज आपको ये पेज पे कॉपी करनी है राइट right? समझ में आया तो आपको क्या करना है ये तीनों एक्सरसाइज आपको जो अलग आपने पेज लिया है उसमें कॉपी करना है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सबसे पहले वाली जो नंबर वन एक्सरसाइज है कैन यू सी फर्स्ट जंप फॉरवर्ड बाय टूज एंड कंप्लीट द सीक्वेंस उसमें ए बी सी और डी है राइट तो ये पूरा आपको क्वेश्चन कॉपी करना है उसके बाद ए बी सी डी के भी क्वेश्चन कॉपी करने हैं और उसके जो आंसर्स यानी जो ब्लैंक दिख रहे हैं उसमें आंसर आपको खुद से फिलअप करने हैं राइट टू टू स्टेप के फॉरवर्ड स्टेप जाके यानी स्किप काउंटिंग करके उसके आंसर भी आपको खुद से अच्छे से लिखने हैं राइट सो हाउ यू हैव टू मैंशन इन योर सी डब्ल्यू सो आपको जो बुक है उसमें कैसे मेंशन करोगे सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन इट योर क्वेश्चन फर्स्ट आप देख सकते हो ना क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपको ऐसे पूरा कॉपी करना है एंड देन क्वेश्चन कॉपी करने के बाद आपको ए बी सी और डी फोर थे ना तो वो फोर आपको ऐसे एक लाइन छोड़ के नीचे मेंशन करना है कैन यू सी लाइक दिस तो आपको ऐसे मेंशन करना है ए बी सी एंड डी आप ए बी सी डी एक एक लाइन छोड़ के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो ओके okay, स्टूडेंट्स देन स्टूडेंट्स आपकी सेकेंड एक्सरसाइज जो दी है आपको टेक्सट बुक में आपकी प्रैक्टिस बुक थर्टीन पे वो उसका क्वेश्चन आपको पूरा कॉपी करना है ठीक है और उसमें भी आप देखोगे तो ए बी सी डी फोर ऑप्शन है तो वो भी आपको फोर क्वेश्चन पूरे कॉपी करने हैं और ब्लैंक वाले जो आंसर है वो भी आंसर आपको उसको मेंशन करने हैं ठीक है सो इन दिस पेज आई शो यू कि आपको एक्सरसाइज नंबर वन जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर थर्टीन पे दी है जंप फॉरवर्ड बाय टूज एंड कंप्लीट द सीक्वेंस उसके ए बी सी डी लिखने आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो एंड देन काउंट फॉरवर्ड बाय कीपिंग फाइज एंड कंप्लीट द सिक्वेंस की ए बी सी डी लिखना है आप एक एक लाइन छोड़ के लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो राइट और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेज कंप्लीट हो गया आपको लिखना है अगर आपकी स्पेस है और आप कंटिन्यू करना चाहते हो थर्ड वाले एक्सरसाइज तो कंटिन्यू कर सकते हो और अगर आपकी स्पेस नहीं है तो आपको क्या करना है यू हैव टू टर्न द पेज तो आपको पेज टर्न करना यानी आपका नेक्स्ट अपोजिट साइड वाला पेज निकालना है और उसमें आपको फिर थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है पेज नंबर थर्टीन की वो मैंशन करनी है राइट right, स्टूडेंट्स सो so, आप जैसे ही अपलोड करोगे दूसरा पेज है राइट ब्लैंक, वहाँ पे आपको सिर्फ आप फिर आपको स्टूडेंट्स जो थर्ड वाली थर्टी प्रैक्टिस बुक की पेज नंबर की एक्सरसाइज बाकी है वो मैंशन करनी है ठीक है तो आपकी थर्ड वाली एक्सरसाइज क्या है स्टूडेंट्स सो लेट्स थर्ड एक्सरसाइज इज डे राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स राइट right? तो वो एक्सरसाइज आपको सबसे पहले उसका क्वेश्चन कॉपी करना है प्रैक्टिस बुक में से एंड देन यू हैव टू ए सी थर्ड एक्सरसाइज के कितने ए बी सी डी और ई इससे फाइव क्वेश्चन हैं तो वो फाइव क्वेश्चन आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखना चाहते हो तो बाई योर चॉइस और आपको ऐसे कंटिन्यू लिखना है तो भी आप ऐसे लिख सकते हो ठीक है तो उसके फाइव क्वेश्चन है थ्री टर्म्स के उसमें क्या है स्टूडेंट्स जैसे हमने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट द नंबर पैटर्न्स किए थे वैसे ही है कि आपको दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना है उसके नेक्स्ट का भी देख लो तो उससे पता चलेगा कि नेक्स्ट कौन सा नंबर आएगा राइट आई यू एबल टू डू आप कर सकते हो ना तो वो आपको करना है सो दिस इज़ योर एक्टिविटी डेट यू हैव टू कंप्लीट कि आपको प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस बुक का ये जो पेज नंबर थर्टीन है उसकी वन टू एंड थ्री एक्सरसाइज अच्छे हैंड राइटिंग से क्वेश्चन भी और उसके आंसर खुद से अच्छे से आपको खुद से ही सॉल्व करना है ठीक right? है राइट बिकॉज योर एक्टिविटी है ओके okay, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन पहले अच्छे से आपको सी डब्ल्यू में जैसे मैंने दिखाया वैसे कॉपी करना है और जो ब्लैंक है उसमें ब्लैंक में आपको अच्छे से सॉल्व करके उसके आंसर आपको फिलअप करना है ठीक है सो वंस अगेन आपको दिखाती हूँ हाउ यू हैव टू कंप्लीट इन योर सी डबू अब यानी सी डब्ल्यू में नहीं आपको नोटबुक के पेज में लिखना है ठीक है अलग से पेज लेना है ठीक है सो आपको फर्स्ट और सेकेंड आप देख सकते हो ऐसे लिखनी है फर्स्ट के ए बी सी डी एंड सेकेंड के ए बी सी डी और क्वेश्चन भी कॉपी करने अच्छे से राइट एंड जैसे ही आपका ये पेज ओवर हो गया मेरा ओवर गया जरूरी है कि आपका भी हो आपका हो तो ही अदरवाइज आपको कंटिन्यू एक लाइन छोड़ के थर्ड एक्सरसाइज लिखनी है ठीक है ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टूड फिर थर्ड वाली एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई कि थर्ड अगर आपके यहाँ पे पेज फिनिश हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज पे थर्ड का पहले अच्छे से क्वेश्चन कॉपी करो एंड थर्ड क्वेश्चन में ए बी सी डी ऐसे फाइव क्वेश्चन है तो वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में से कॉपी करने हैं और उसके आंसर भी अच्छे से फिलअप करने हैं ओके स्टूडेंट्स सो अंडरस्टूड योर एक्टिविटी राइट सो ओके स्टूडेंट्स सो ऑल द बेस्ट डू योर बेस्ट इन दिव एक्टिविटी आप अच्छे से एक्टिविटी लिखना ओके ऑल द बेस्ट आई होप यू विल डू इट इन अ गुड वे ये स्टूडेंट्स एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी टिल फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड टुडे फोर्थ में आज फोर्थ में है एंड स्टिल यू हैव बस अभी भी वन मंथ है तो वन मंथ के अंदर आपको यानी जून के फर्स्ट वीक तक ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम वेनेवर यू आर गेटिंग फ्री टाइम यू कैन कंप्लीट योर एक्टिविटी ओके सो डू योर बेस्ट एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी पूरा एक महीना है तो आप जब चाहो जब भी आपको फ्री टाइम मिले उसमें आपको ये जून के फर्स्ट वीक तक आपको कंप्लीट करनी है ओके स्टूडेंट्स राइट थ्री एक्सरसाइज इन योर A page in a good handwriting in a good manner okay students so once again be connected with the learning process take care of yourself stay home stay safe and Allah Hafiz students or complete the exercise with good handwriting okay students Allah phase.